हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल कौन सा होने वाला है, क्या हो सकता है, मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। इससे पहले भी मैं आप लोगों को मैजिक क्यूब वीडियो के बारे में बता चुका हूँ, जो हमारा जो इससे पहले जो मैजिक क्यूब का जो न्यू बंडल आया था ना, उससे पहले भी मैं बता देता कि वही बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलेगा, और वही बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब में देखने के लिए भी मिल गया था। तो फ्रेंड्स, मैं इस बार भी बताऊंगा आप लोग कौन सा बंडल देखने के लिए मिल सकते हैं हमारा न्यू मैजिक क्यूब में। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मेरे चैनल में अभी तक आप लोग नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना, क्योंकि फ्री फायर का सारा अपकमिंग अपडेट्स और अपकमिंग इवेंट्स के डिटेल्स आप लोगों को इसी चैनल में देखने के लिए मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल कौन सा होने वाला है, ये तो मैं आप लोगों को बता दूंगा, एंड कौन सा बंडल हो सकता है मैं भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बता देता हूँ। आप लोग बहुत लोग सोचते हो कि आर्केटिक ब्लू बंडल हमारा कभी मैजिक क्यूब में देखने को मिलेगा, कभी ब्रेक डांसर बंडल हमारे मैजिक क्यूब में क्या देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि बहुत वीडियो आप लोग देखते हो यूट्यूब में कि आप लोगों को देखा जाता है कि हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल आर्केटिक ब्लू बंडल है, नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल ब्रेक डांसर बंडल है। तो फ्रेंड्स, वो सारे के सारे झूठे हैं, क्योंकि आर्केटिक ब्लू बंडल और ब्रेक डांसर बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है आर्केटिक ब्लू बंडल और ब्रेक डांसर बंडल दोनों ही बहुत ही रेयर बंडल है, और रेयर बंडल बहुत ही रेयर बंडल आप लोगों को कभी मैजिक क्यूब में देखने को लिए नहीं मिलता है, क्योंकि मैजिक क्यूब अभी हर किसी के पास होता है, एंड फ्री फायर भी नहीं चाहता है कि आप लोगों को जो रेयर बंडल है वो मैजिक क्यूब में देखे सारे लोगों को दे दिया जाए। तो फ्रेंड्स, वो रेयर बंडल इसीलिए होता है कि उन सारे लोगों के पास वो बंडल नहीं होता है, तो वो बंडल फ्री फायर कभी मैजिक क्यूब में देना नहीं चाहेगा। लेकिन फ्रेंड्स, कभी बाद में दे सकते हैं, लेकिन अभी आप लोगों को मैजिक क्यूब में आर्केटिक ब्लू बंडल एंड ब्रेक डांसर बंडल मिलने के कोई भी चांस नहीं है। जो आप लोगों को बताता है कि आर्केटिक ब्लू बंडल या ब्रेक डांसर बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब में देखने को मिलेगा, नेक्स्ट मैजिक क्यूब में देखने को मिलेगा, या न्यू ईयर में आप लोगों को देखने को मिलेगा मैजिक क्यूब में, तो फ्रेंड्स, वो सारे के सारे गलत बोलते हैं, सारे के सारे झूठ बोलते हैं, क्योंकि मैजिक क्यूब में आर्केटिक ब्लू बंडल एंड ब्रेक डांसर बंडल आने का कोई भी चांस नहीं है। अगर कभी आर्केटिक ब्लू बंडल देगा तो आप लोगों को वेब इवेंट में देखने को मिलने का चांस सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वेब इवेंट में अगर देता है ना तो आप लोगों के पास से डायमंड भी लूटा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा डायमंड लगते हैं और जो रेयर बंडल हो निकालने के लिए, आप लोगों को पता है अगर कोई भी रेयर बंडल हमारे कोई भी वेब इवेंट में देखने को मिलता है तो उसमें बहुत ही ज्यादा डायमंड लग जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आर्केटिक ब्लू बंडल या ब्रेक डांसर बंडल कभी देता है तो आप लोगों को वेब इवेंट में दे सकता है, क्योंकि वेब इवेंट में आप लोगों से बहुत ही ज्यादा डायमंड ले सकते हैं, एंड आप लोगों का भी बहुत ही ज्यादा डायमंड खर्च होने वाला है। लेकिन फ्रेंड्स, अभी वेब इवेंट में आने का चांस भी कोई न्यूज़ नहीं है, क्योंकि कोई भी लीक नहीं है कि आप लोगों को वेब इवेंट में देखने को मिलेगा या मैजिक क्यूब में देखने को मिलेगा। मैजिक क्यूब में तो देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं आप लोगों को बता ही दिया क्यों देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लोगों को भी पता चल रहा है उतना रेयर बंडल का मैजिक क्यूब में आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल कौन सा हो सकता है मैं वो आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग कभी कहीं पर भी देखते हो कि मैजिक क्यूब में हमारा नेक्स्ट आर्केटिक ब्लू बंडल आएगा, तो वो पूरा गलत बात बताता है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आर्केटिक ब्लू बंडल या ब्रेक डांसर बंडल मैजिक क्यूब में आने का कोई भी चांस नहीं है। तो आप कौन सा बंडल आप लोगों को मैजिक क्यूब में नेक्स्ट देखने के लिए मिल सकता है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ए वाला जो बंडल आप लोग देख रहे हो, एक कुछ दिन पहले हमारे डायमंड रॉयल में आया था। तो फ्रेंड्स, ए वाला जो आप लोग बंडल देख रहे हो, मेल और फीमेल वाला बंडल, ये दोनों बंडल आप लोगों को हमारा नेक्स्ट मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि आप लोगों को पता है जो भी डायमंड रॉयल में आता है उससे बाद वो जो बंडल हो मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट मैजिक क्यूब बंडल है, तो इन दोनों बंडल आप लोगों को नेक्स्ट मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलने का बहुत ही ज़्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बंडल आप लोगों को अगर मैजिक क्यूब में देखने के लिए मिलता है तो आप लोगों को ये बंडल कैसा लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। और हमारे मैजिक क्यूब में अभी उतना खास कोई बंडल नहीं है, कुछ दिन पहले बहुत सारे बंडल दिया गया था हमारे मैजिक क्यूब में, लेकिन उसमें भी आप लोगों को भी रेयर बंडल नहीं दिया गया था। आर्केटिक ब्लू बंडल ब्रेक डांस बंडल में आप लोगों को पहले ही बता चुका नहीं आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता हो कुछ दिन पहले दिवाली इवेंट में आप लोगों को बहुत सारे बंडल दिया गया था, लेकिन उसमें भी कोई रेयर बंडल नहीं दिया गया था। कुछ रेयर बंडल था जो पहले मैजिक क्यूब में आया था या डायमंड रॉयल में आया था, वही बंडल आप लोगों को फिर से मैजिक क्यूब में देखने को लिए मिलता है। तो फ्रेंड्स, इन दोनों बंडल आप लोगों को नेक्स्ट मैजिक क्यूब में देखने को लिए मिलने का बहुत ही ज्यादा चांस है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, और अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर देना, वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर देना।